पहाड़ी शैली में बसौली की चित्रकला का अपना महत्व है। आज हम बसौली की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। बसौली क्षेत्र की दृष्टि से एक छोटा सा राज्य था, किंतु उसका सांस्कृतिक वैभव होने से उसका अपना महत्व है। चंबा से उपलब्ध एक अभिलेख के अनुसार बसौली एक स्वतंत्र रियासत थी, जो 10वीं-11वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से बनी रही। बसौली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल बसौली राज्य का संस्थापक था। इनका समय 1765 ईस्वी है। उसने दिल्ली के राजा की शक्ति समाप्त कर बेलोर को राजधानी बनाया। बाद में यहाँ के राजा बेलोरिया नाम से प्रसिद्ध हुए। 1630 ईस्वी में राजधानी बेलोर से बदलकर 19 किलोमीटर दूर रावी के दाहिने किनारे के समीप बसौली कर दी गई। बसौली शहर के अनेक लोगों ने यात्रा की। 1835 से 39 तक फ्रांस के यात्री विग्ने ने, 1928 ईस्वी में अजीत घोष ने, और फिर 1930 में जेसी फ्रेंच, जिन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला का गहन अध्ययन किया और बसौली कलम को सबसे प्राचीन माना। बसौली चित्रशैली के विषय में डॉक्टर एम एस रंघावा ने कहा है, बसौली शैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रविधि के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता, संस्कारिता व सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, लेकिन सहजता व ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट है। बसौली शैली के चित्रों की अपनी विशेषताएं हैं, जिसके कारण इस शैली के चित्रों को कांगड़ा व राजस्थानी शैली से पृथक किया जा सकता है। हालांकि बसौली शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली जैसी कोमलता, सुकुमार्य और परिमार्जन नहीं है, फिर भी बसौली शैली में सरलता, सरसता व चमकदार रंगों की अपूर्व शक्ति है, जो इस कला को महान स्तर पर पहुंचा देती है। चित्रकारों ने चित्रित विषयों के विवरणों को बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है, चाहे वे धार्मिक हों या काव्यों पर आधारित हो, फिर व्यक्ति चित्र या सामाजिक पहलू पर आधारित हों। बसौली शैली के चित्रों के विषय धार्मिक थे, जिनमें वैष्णव धर्म प्रमुख था। इस समय की रामायण की दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक कुल्लू व दूसरी बसौली में चित्रित की गई थी। बसौली शैली में भानुकृत, रसमंजरी, गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला की प्रतियों के अतिरिक्त रागमाला राजा दरबारियों व दरबार के अन्य सम्मानित व्यक्तियों जैसे ज्योतिष, संत, विद्वान, योद्धाओं, संगीतज्ञ आदि के व्यक्ति चित्र मिलते हैं, जो उस समय के प्रचलित सामाजिक प्रथा को प्रदर्शित करते हैं। चित्रों में नारी चित्रण सुकोमल एवं ओजपूर्ण है। ललाट भाग पीछे की ओर धंसा हुआ, नेत्र कमलाकृति, रस भाव पूरित और मद भरे, नाक लंबी व हस्त मुद्राएं विभिन्न हाव भाव अभिव्यक्त करती हुई चित्रित हैं। दो चार बालों की लटें कपोलों पर लटकती हुई चित्रित की गई हैं। स्त्रियों को प्रायः चोली और ऊपर से पेशवाज पहने दिखाया गया है, जो रेशमी या पारदर्शी है। कहीं कहीं स्त्रियां पारदर्शी दुपट्टा, चोली या छीटदार घाघरा पहने चित्रित हैं, जो पुरुषों को घेरदार जामा
और पीछे की ओर झुकी हुई पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। बसौली शैली के चित्रों में स्त्री और यहाँ तक कि राक्षसों को भी आभूषण पहने चित्रित किया गया है। रत्न जड़ित मुकुट, हार, कुंडल व कड़े तथा भुजबंध इनमें प्रमुख हैं। बसौली के चित्रों में भवनों को चित्रित करने में कलाकारों ने अपनी निजी विशेषता दर्शाई है। आलेखनों से युक्त द्वार, जालीदार खिड़कियां, नक्काशीदार लकड़ी या पत्थर के स्तंभों से युक्त भवन, जिनके कक्षों दीवारों को सुंदर ताकों या आलों से सजाया गया है। इन ताकों में इत्रदान, पुष्प पात्र तथा फूलों से भरी तश्तरियों को रखे चित्रित किया गया है। इन सुसज्जित कक्षों में ही नायक नायिकाओं को चित्रित किया गया है। पक्षियों का चित्रण बंद पिंजरों में किया गया है। कहीं कहीं स्वतंत्र पक्षी भी चित्रित किए गए हैं। कबूतरों के जोड़ों और तोतों को प्रेम के प्रतीक रूप में नायक नायिकाओं के चित्रों में दर्शाया गया है। बसौली शैली की कृतियों में दृश्य चित्रण आलंकारिक ढंग से हुआ है। चित्रों में प्रायः क्षितिज रेखा ऊपर है। वृक्षों की पत्तियां गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के रंग से बनाई गई हैं। वृक्षों में आम, अखरोट, मोर पंखी के वृक्ष ज़्यादातर बनाए गए हैं। पेड़ों को भी प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है। बादलों तथा वर्षा के विभिन्न रूपों में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जलवृष्टि अंकित की गई है, जो हल्की वर्षा के लिए चित्रकार ने छोटी छोटी मोती जैसी झिलमिल बिंदियों का प्रयोग किया है। बादलों में वर्षा के बादलों को दर्शाने के लिए चमकती बिजली को सर्प की भांति सफ़ेद रेखा द्वारा दिखाया गया है। नदी, झील या तालाब में पानी की लहरों को कुंडलाकार रेखाओं द्वारा बनाया गया है। जल में कमल पुष्पों का अंकन भी है, तो कहीं कहीं बगुले भी बनाए गए हैं। चित्रों के हाशिए प्रायः गहरे लाल रंग में या कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग में अंकित किए गए हैं। रसमंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पट्टिकाओं पर संस्कृत में छंद लिखे गए हैं। बसौली चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग, कपड़ों की कशीदाकारी तथा अन्य साज सामान के अलंकरण में किया गया है। चित्रों में चटक रंगों के साथ साथ शक्तिशाली प्राथमिक विरोधी रंगों का प्रयोग है, जिसमें लाल व पीले रंग का कलाकार ने स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया है, और साथ साथ प्रतीकात्मक आधार पर भी नीले रंग का प्रयोग कृष्ण तथा वर्षा के बादलों के प्रतीक के रूप में किया है। लाल रंग प्रेम के देवता का प्रतीक है, तो पीला रंग सूर्य के ताप और बसंत का सूचक है। रेखाओं में गति, ओज व उन्मुक्तता देखने को मिलती है। इस प्रकार बसौली शैली के चित्रों में रूप और लावण्य, श्रृंगार एवं यौवन से सजी नारी, वर्षा और तूफान की अंधेरी रात में भयानक जंगल से जाती हुई तथा नशीली आँखों द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति को दर्शाती है। मानव प्रेम के प्रतीक रूप में चित्रित है। बसौली शैली के चित्र पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।